दोस्तों, हम इंसानों ने तरक्की के नाम पर सिर्फ मशीन ही बनाई है और नेचर को तो हमने तबाह ही कर डाला है। लेकिन इमेजिन करिए कि एक ऐसा शहर जहाँ पे ना ही कोई गाड़ी, ना ही किसी भी तरह का पॉल्यूशन, और एक बार फिर हम नेचर को अच्छे से जान पाए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शहर जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम नेचर को भी अपना पाए। दोस्तों, अगर मैं ये बात कहूँ कि ये इमेजिनेशन जल्द ही असलियत में बदलने वाली है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस खूबसूरत जगह को बनाने के बारे में सोचा है। तो चलिए जानते हैं कि इस मेगा सिटी में क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने टीवी पर एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो एक ऐसे शहर का निर्माण कर रहे हैं जो सपनों के शहर जैसा होगा। ये सपनों का शहर नियम में बनाया जाएगा और इस शहर का नाम द लाइन या द लीनियर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 34 किलोमीटर स्क्वायर चौड़ा होगा और इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। और ये शहर सऊदी के दो छोरों को जोड़ेगा, जो कि नॉर्थ वेस्ट माउंटेन और रेड सी होंगे। और इस मेगा सिटी की हाइट लगभग 500 मीटर होगी, जो कि सऊदी की तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी और वर्ल्ड में 12वीं। द लाइन के अंदर 9 मिलियन लोग आराम से रहेंगे और ये 4.6 लाख लोगों को रोजगार भी देगा। इस मेगा सिटी की सबसे बढ़िया बात ये है कि डॉक्टर्स, होटल और स्कूल की सुविधा हर 5 मिनट में आपको मिलेगी। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया ही था कि इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस ये है कि एनवायरमेंट को बचाना, इसीलिए इसके अंदर ना ही कोई बाइक होगी, ना ही कोई कार और ना ही कोई बस की सुविधा होगी, ताकि यहाँ पर पॉल्यूशन ना हो सके। और ऐसा करने से 95% कार्बन एमिशन कम होगा, या तक कि जितनी भी एनर्जी यूज की जाएगी वे सब रिन्यूअल होगी, यानी अंत में किसी भी तरह की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो इन तरीकों से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। द लाइन को 3 लेयर में बनाया जाएगा। सबसे निचले लेवल को ट्रांसपोर्ट के लिए रखा जाएगा और द स्पाइन के नाम से जाना जाएगा। ये वो लेवल होगा जहाँ पे मेट्रो चलेगी, ताकि जल्दी सफर किया जा सके। और इसीलिए इस रिस्क से बचाने के लिए सऊदी ने ऑयल के अलावा भी अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि टूरिज्म और एजुकेशन। और द लाइन टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं ऐसी जगह घूमूं जहां पे कोई पॉल्यूशन ना हो और वो चीज नेचर से भी जुड़ी हो। अगर इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कमी होगी भी तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसका सॉल्यूशन पहले ही सोच रखा है। 29 जुलाई 2019 को सऊदी ने अनाउंस करा था कि उन्होंने एक इकोनॉमिक जोन बना रखा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और सोवेरियन वेल्थ फंड के ज्वाइंट स्टॉक की मदद से। नियम ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि ये सब खर्चा कवर हो जाएगा, क्योंकि द लाइन प्रोजेक्ट जीडीपी में 48 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करेगा साल 2030 आते आते। द लाइन प्रोजेक्ट के कुछ साइड इफेक्ट्स। द लाइन प्रोजेक्ट जहां बनाया जा रहा है वो जगह खाली नहीं है, बल्कि वहां पर हुवेतत ट्राइब के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें वहां से हटाया जाएगा, या तो प्यार से या तो गुस्से से, बाकी तो आप समझदार होंगे। द लाइन में कई सारी तरह की रिकॉग्निशन भी शामिल है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन। ये आपका फेस हर जगह कैप्चर करेगी, चाहे आपने अपने मुंह पे कितना भी कपड़ा क्यों ना ढका हो। ये साइड इफेक्ट्स उन फीमेल के लिए है, क्योंकि सऊदी अरब जैसी कंट्री में फीमेल्स के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी ऐसी जगह घूमना चाहेंगे क्या? आपको ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में भी ऐसी जगह बननी चाहिए? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।